अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और हम पढ़ रहे हैं HTML। HTML के काफ़ी सारे टैग्स हमने मुकम्मल कर लिए हैं और आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे इमेजेस का, यानी कि हमने पिक्चर्स को अपने वेब पेज के अंदर ऐड कैसे करना है, उसके साथ कैसे काम करना है, क्योंकि इमेजेस आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ वेब पेज। हमारा जो डिज़ाइन है वेब पेज का, ज़्यादातर उसका हिस्सा इमेजेस के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर उसके ऊपर इमेजेस होंगे तो वो ज़्यादा प्यारा लगेगा बनिस्बत के उसके ऊपर कोई भी इमेज ना हो। यानी कि इस वक्त अब हमारा ये जो वेब पेज है बिल्कुल सिंपल सा टेक्स्ट है सिर्फ सारा। अब इसमें अगर इमेजेस ऐड हो जाएंगी तो वो काफ़ी अच्छी लगेंगी। इमेजेस ऐड करने के भी दो तरीके हैं, जैसे लिंक्स ऐड करने के दो तरीके हैं जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो तो ज़रूर देखें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लिंक्स ऐड करने के लिए हमारे पास दो तरीके थे कि एक एब्सोल्यूट उसका URL हम देते थे, यानी कि ऑनलाइन URL दे देते थे किसी भी वेबसाइट का और वो वेबसाइट हमारे साथ लिंक हो जाती थी। एक होता था रिलेटिव। रिलेटिव में क्या होता था, हमारे पास फाइल्स डिफरेंट जगह पे पड़ी होती थी और हम उसको अपनी फाइल के साथ लिंक कर देते थे। इमेजेस के साथ भी ऐसे ही है। एक तो हम इमेजेस को अपने साथ लिंक कर सकते हैं ऑनलाइन उनका एड्रेस कॉपी करके, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम उसको लोकली पहले डाउनलोड करेंगे, अपने पास रखेंगे, फिर हम उसको अपनी फाइल्स के साथ लिंक कर देंगे, यानी कि उसके अंदर इमेजेस को यूज़ कर लेंगे। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इमेजेस कैन इंप्रूव द डिज़ाइन द अपीयरेंस ऑफ अ वेब पेज। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो काफ़ी सारा हमारा डिज़ाइन का पार्ट है वो वेब पेज का, वो इमेज के ऊपर डिपेंड करता होता है। उसके अंदर एट्रीब्यूट्स कौन कौन से यूज़ होने हैं, एट्रीब्यूट्स का लेक्चर एक पीछे पड़ा हुआ है कि एट्रीब्यूट्स क्यों यूज़ होते हैं और किस मकसद से और किस तरह लिखे जाते हैं, वो पिछला लेक्चर आप देख लें एट्रीब्यूट्स वाला। एट्रीब्यूट्स इसके अंदर जी ये दो हैं, SRC और ALT। SRC के अंदर हमने स्पेसिफाइज द पाथ ऑफ द इमेज कि वो इमेज कहाँ पड़ी हुई है, अगर वो ऑनलाइन है तो उसका URL कहाँ पे है, और अगर वो लोकल है हमारे फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है तो उसका एड्रेस क्या है। दोनों चीज़ें हमारी SRC में आनी है, जैसे लिंक के अंदर HREF के अंदर आती हैं, वैसे इमेज के टैग के अंदर SRC के अंदर हमारा पाथ या एड्रेस आना है। दूसरा इसमें है जी ALT। ALT क्या करता है, स्पेसिफाइज एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर द इमेज। अगर खुदा न खास्ता या किसी वजह से हमारी इमेजेस शो नहीं हो रही तो हम उसकी जगह पर कोई टेक्स्ट शो करवा सकते हैं। यानी अगर हमारी इमेज शो नहीं हो रही लेकिन हमने यूज़र की रीडेबिलिटी ख़राब नहीं करनी, यानी कि उसका अच्छा एक्सपीरियंस ही रखना है, तो हम वहाँ पे शो करवा सकते हैं कि यार हमारे यहाँ पे कोई एरर आ गया या ये इस चीज़ की तस्वीर थी या उसका उस तस्वीर का मकसद क्या था, वो हम ALT के एट्रीब्यूट के अंदर हम शो करवा सकते हैं। उसके अलावा हम विर्थ और हाइट भी यूज़ कर सकते हैं, उससे हम अपनी इमेज को कंट्रोल कर सकते हैं उसकी विर्थ और हाइट को, यानी कि वो कितनी छोटी कितनी उसकी चौड़ाई हो उसकी कितनी लंबाई हो। इसका सेंटेक्स क्या है यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि इमेज का टैग जैसे BR का और HR का हमने टैग पिछली वीडियोज़ में फॉर्मेटिंग की वीडियोज़ में पढ़ा था, अगर वो आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियोज़ देख लें, वैसे ही इमेज का टैग भी उनकी टैग्स की तरह सेल्फ क्लोजिंग टैग। अगर हम इसका सेंटेक्स देखें तो ये देखें यहाँ से टैग शुरू हो रहा है और ये इसका ख़त्म हो रहा है टैग, यानी कि यहाँ पे खुद ही शुरू हो रहा है और खुद ही ख़त्म हो रहा है, यानी कि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसका कोई स्टार्टिंग टैग और कोई एंडिंग टैग नहीं है, ये एक ही टैग है जो कि यूज़ हो रहा है। हम इसको यूज़ कर लेते हैं, पहले हम कोई इमेजेस ढूंढ लेते हैं जिनको हमने यूज़ करना है। इधर देखते हैं न्यू टैब में, ये हमारे पास इमेजेस आ गई हैं काफ़ी सारी। अब इसमें से हम ये वाली इमेज अगर लेना चाहें, हम इसके ऊपर अगर राइट क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कॉपी इमेज एड्रेस। अगर हमने एब्सोल्यूट वाला काम करना है यानी ऑनलाइन URL लगाना है तो हम सिर्फ ये कॉपी करेंगे अपना एड्रेस को, और यहाँ पे हम जाते हैं IMG का टैग लिखेंगे, एंगल ब्रैकेट से शुरू करेंगे IMG और ये स्लैश और ये टैग हो गया बंद। अब हमने इसमें SRC का एट्रीब्यूट देना है और उसके अंदर वो जो हमने कॉपी किया था वो हम Ctrl+V या फिर हम यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। अब ये हमारा एड्रेस पेस्ट हो गया। अब अगर हम जाके रिफ्रेश करें अपने पेज को तो ये इमेज हमारे पास आ गई है। अब अभी हमने सेटिंग नहीं की इस इमेज की, लेकिन फिर भी आप देखें तो एक अच्छी लुक आती है एक टेक्स्ट की बजाय, इस इमेज को देखने के लिए ज़्यादा दिल करता है, इसलिए इमेज आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वेब पेज। अब ये काफ़ी लंबा सारा टेक्स्ट है, ये लिंक है। अच्छा, अब हमने करना क्या, हम वो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम और भी काम कर सकते हैं। SRC के अंदर अगर हमारा ये SRC ख़राब हो गया, सपोज हमारे पास ये D गलती से हमने मिटा दिया या ये एड्रेस ख़राब हो गया किसी वजह से, ख़राब यहाँ पे इमेज नहीं आ रही, बस ये एक सिर्फ एक आइकन आ रहा है,
और ये बहुत अजीब सा लग रहा है हमारे वेब पेज में। तो उसका हम हल क्या हमारे पास होता है, उसका हल ये होता है कि हम alt का कीवर्ड एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं इमेज इज़ नॉट शोइंग, या उसका मकसद लिख सकते हैं कि इस इमेज का मकसद क्या था, ताकि उसको समझ आ जाए कि किसी एरर की वजह से कि इमेज शो नहीं हो रही लेकिन यहाँ पे एक इमेज होती थी, या उसका इस इमेज का मकसद क्या था। अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इमेज इज़ नॉट शोइंग, हम बाकी सारा कुछ अगली लाइन पे ले जाते हैं। और अगली लाइन पे लिए फॉर्मेटिंग हम यूज़ करेंगे बी आर की, जिससे एक लाइन की स्पेस हमें मिल जाती है। ये देखें इमेज इज़ नॉट शोइंग, वहाँ पर वो शो करवा दिया। या फिर हम यहाँ पर लिख सकते थे कि नेचर इमेज, जैसे कि वो नेचर की इमेज है, यहाँ पे आ गया नेचर इमेज। और जब वो डाटा अगर सही हो तो मतलब हमारा इमेज का पास सही होगा तो वो वापस सही हो जाएगी, वो हमें अल्टरनेटिव नहीं नज़र आएगा। तो ये था अल्टरनेटिव और एसआरसी का काम। रह गई बात हमारी विड्थ और हाइट की, विड्थ और हाइट को हमने कैसे कंट्रोल करना है। हम इसकी विड्थ इज इक्वल टू, जैसे हम बाकी एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं वैसे ही हमने विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट भी यूज़ करना है, और उसकी वैल्यू हमने देनी है हमेशा पी एक्स के अंदर। अगर हमने ये हमारी पूरी पूरी स्क्रीन 1300 पीएक्स की होती है नॉर्मली लैपटॉप या कंप्यूटर्स की, बाकी स्क्रीन पे वेरी करता है जैसे भी हो, तो उसके अलावा हमने इसको अपनी 400 पीएक्स अगर देनी है, पिक्सल्स में देनी है, पीएक्स में हमेशा देनी है, इसका यूनिट है पीएक्स ये। अब हम इसको अगर 400 पीएक्स दे देते हैं तो ये इसकी अब विड्थ हो गई है, चौड़ाई हो गई है 400 पीएक्स, और हम इसकी हाइट भी चेंज कर सकते हैं, वो हम अगर दे दें 500 पीएक्स तो उसकी हाइट चेंज होके 500 पीएक्स हो गई। अब देखें जितना हम लंबा इसको खींचते जाएंगे इमेज को, जितनी वो एक्चुअल थी उसके पिक्सल फटते जाएंगे, तो उसके हिसाब से ही हमने काम करना है जिस हिसाब से वो इमेज है। और ये हमारी इमेज सेट हो गई है। अच्छा, उसके बाद हमने एक तो पढ़ लिया कि हमने उसको ऑनलाइन यूआरएल कैसे देना है, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि अगर हमारे पास इमेज हमारे पास फोल्डर में हो या हमारे पास कंप्यूटर में हो तो हमने उसको कैसे यूज़ करना है। अब इसी इमेज को हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पे किसी भी इमेज के ऊपर राइट क्लिक करें, सेव इमेज एज, और उसके ऊपर उसका नाम लिख दें, हम लिख देते हैं पिक्चर, और उस पिक्चर को हम इधर से अपने मेन्यू से अपनी जहाँ पे हम काम कर रहे हैं इस कोड के अंदर HTML के फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर बना लेते हैं इमेजेस के नाम से, और उसके अंदर हम इस पिक्चर को सेव करवा देते हैं। अब होगा क्या, वो हमारे पास पिक्चर यहाँ पर सेव हो गई है, ये हमारे पास इमेज का फोल्डर बन गया, ये हमारे पास पिक्चर आ गई। अब हमने इस पिक्चर को अपने वेब पेज के अंदर यूज़ करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने लिंक के टैग के अंदर एड्रेस लिखने सीखे थे, अब हम इस SRC के अंदर वो लिखेंगे। ये सारा जो भी हमने लिखा था उसको हम ख़त्म कर देते हैं, और इस डबल कोटेशन के अंदर हमने लिखना है एड्रेस। शुरू कैसे करते हैं, अगर हमने इसी फोल्डर के अंदर काम करना है जिस फोल्डर के अंदर हमारी ये वाली फाइल पड़ी है, और इसी फोल्डर के अंदर हमने काम करना है, यानी कि इसी फोल्डर में हमने करना है क्योंकि हमारे पास इमेजेस भी इसी फोल्डर में पड़ी हुई हैं, तो हमने क्या करना है ./। अब अगर तो वो फाइल डायरेक्ट यहाँ पड़ी हुई है, जैसे ये कॉन्टैक्ट की फाइल पड़ी हुई है ये वाली, तो हम सिर्फ उसका सीधा नाम लिख देंगे। लेकिन अगर वो किसी फोल्डर के अंदर पड़ी है, यानी कि चाइल्ड फोल्डर के अंदर पड़ी है, तो ये हम फोल्डर का पहले नाम लिखेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं इमेजेस, जो कि हमारी फोल्डर का नाम है ये वाला, और फिर उसके अंदर हम चले गए, यहाँ से एक और स्लैश देंगे, यानी कि हमने इसके अंदर जाना है, इस फोल्डर के अंदर जाना है, और उस अंदर जाके उस फाइल का नाम लिखेंगे। अब फाइल का नाम है पिक्चर, PECTURE। अब हमने पिक्चर तो दे दिया, पर अगर हम इसे रिफ्रेश करें तो अभी भी हमें अल्टरनेटिव शो हो रहा है, इमेज शो नहीं हो रही। अब इसकी वजह क्या बन सकती है, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे। ये हम इस पर राइट क्लिक करें तो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, या फिर हम इसके ऊपर सिर्फ माउस लेके जाएं तो वो हमें बता रहा है कि ये फ़ाइल है आइटम टाइप JFIF फाइल है। अब जो भी, जैसे हमारी फ़ाइल का नाम था ना कॉन्टैक्ट, तो लेकिन हम लिखते थे contact.html ताकि उसकी टाइप भी पता चले साथ साथ, ऐसे ही हमने पिक्चर की टाइप भी लिखनी है JIFI, आई थिंक सो यही थी JFIF इसकी टाइप है, तो हमने वो साथ उसकी टाइप भी देंगे तो वो इमेज हमें शो हो जाएगी। अगर हम इसकी टाइप साथ नहीं देंगे तो वो इमेज हमें शो नहीं होगी, क्योंकि वो एड्रेस ही गलत हो गया, इसलिए हमें हर चीज़ की टाइप भी साथ देनी है। जैसे हमने यहाँ पे contact.html भी लिखा है कि वो HTML की फ़ाइल है, ऐसे ही हमें यहाँ पे इमेज की भी फाइल की एक्सटेंशन देनी है।
और इसकी टाइप पता करने के लिए हम प्रॉपर्टीज़ खोल के यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ फाइल लिखा हुआ आ रहा है JFI, इसको भी हम कॉपी कर सकते हैं, इस सारे को जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ आ रहा है इसको अगर हम कॉपी कर दें, इसको रेज कर दें तो भी ये चल जाएगी। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, ये चल गई। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इतना ही पढ़ना था कि इमेजेस को हम अपने कोड के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे मल्टी इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक और इमेज लगा के देखते हैं, इसका हम कॉपी कर लेते हैं एड्रेस, दोनों किस्म की इमेजेस हो जाएंगी। हम यहाँ पे फिर से IMG लिखते हैं, इसलिए इसको बंद करते हैं। हमेशा टैग को बंद ज़रूर करना है ताकि बाद में हमारा कोई एरर ना जनरेट हो। इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं, हमारी दो इमेजेस आ जाएंगी। हम तीसरी भी एक इमेज लेके आ सकते हैं, जितने भी आप इमेजेस चाहें हम वो इमेजेस ला सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी यहाँ पे हमारे साथ गलती ये हुई है हमें कि ये हम सारा काम बॉडी के अंदर नहीं कर रहे। ये याद रखना कि हमने सारा का सारा काम बॉडी के अंदर करना है। काम सारा हो रहा है लेकिन बाद में जो हमने इसके साथ CSS या JavaScript करनी है तो वो कुछ भी नहीं होगी, इसलिए हमें सारा काम बॉडी के अंदर करना है। एक और इमेज हम लगाते हैं यहाँ पे IMG, टैग हमने बंद किया और src के अंदर हम वो पेस्ट कर रहे हैं कंट्रोल V से जो हमने तीसरी इमेज का पाथ कॉपी किया था। अब हम रिफ्रेश करते हैं तो ये हम वही पिछली इमेज के पाथ हमारे पास कॉपी है। ओके, वो हम देख लेते हैं क्या मसला आ रहा है। अच्छा, ये हमारा टैग बंद नहीं हुआ हुआ। ये हमारी तीसरी इमेज भी वही, हमने दोबारा से उसी इमेज का एड्रेस कॉपी किया था और वही हमारे पास दोबारा से इमेज आ गई है। हम यहाँ पे एड्रेस चेंज करेंगे तो वो सही भी हो जाएगी, मगर इसका एड्रेस यहाँ से हटा देते हैं सारा और नई इमेज का कोई एड्रेस कॉपी करके देखते हैं। यहाँ से गायब होगी दूसरी और यहाँ पे हम तीसरी इमेज का एड्रेस कॉपी करते हैं और ये एड्रेस गलत है इसलिए ये हमें इमेज शो नहीं कर रहा, तो हमें वो अल्टरनेटिव अगर हम इसमें दें तो वो हमें शो करेगा। अल्टरनेटिव दे के देखते हैं कि ये एड्रेस का ही मसला है या कोई और चीज़ का मसला है। अच्छा, इसमें हम अल्टरनेटिव दे के देखते हैं कि हमारे एड्रेस का मसला आ रहा है तो हमें सिर्फ अल्टरनेटिव ये शो करवा देगा। ये मैंने टैग बंद तो कर दिया, शायद इसी का मसला आ रहा हो। हम इसमें टेक्स्ट दे देते हैं, ये हमारे पर टेक्स्ट आ गया, इसका मतलब है हमारा जो एड्रेस हमने कॉपी किया उसमें कोई इशू आ रहा है। इसलिए एड्रेस कॉपी करने में इशू आ जाता है कभी कभी, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप यहाँ से अपना सेव एस करें, उसको इमेज को सेव कर लें। अब जैसे मैं इसको नाम रख देता हूँ Picture 2 और ये भी .jfif ही है, तो हम इसको एड्रेस हटा के इसका और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, इस Picture 2 लिख देंगे। पहले हम लिखेंगे, बल्कि एड्रेस लिखना है हमने तो, और वो हमारे पास फोल्डर के अंदर है फाइल, तो हमें याद है कि हमने शुरू करना होता है .slash के साथ। .slash के बाद हम फोल्डर का नाम लिखेंगे, फोल्डर का नाम हमारे पास है जी इमेजेस, ये वाला फोल्डर। इमेजेस का फोल्डर के अंदर हम लिखेंगे जी Picture 2 .jfif। अगर हम रिफ्रेश करें होप्स आ जाएगी, ये हमारी तीसरी इमेज भी आ चुकी है। आज के लेक्चर में इतना ही था, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं जल्द से जल्द आपको जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज़।